के भी नंबर्स आए थे और नतीजे आए थे थोड़े से मिले जुले, क्योंकि हमने रेवेन्यू में 12% के आसपास का उछाल देखा है। मार्जिन की बात करें तो बढ़ोतरी वहाँ पर भी है, करीब करीब 12.5 से बढ़कर 19-19.5% के आसपास के मार्जिन से। और कामकाजी मुनाफे की बात करें तो जंप वहाँ पर बढ़िया है, 250 रुपये के आसपास के भाव हैं, लेकिन उस रफ्तार से नहीं चला टाटा पावर, थोड़ा सा स्लो मूवर साबित हुआ है। हालांकि मैंने पहले देखा कि 300 रुपये के आसपास तक ये शेयर गया था। मयूरेश जी, नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं टाटा पावर के, और क्या यहाँ से कुछ पावरफुल मूव्स की उम्मीद करनी चाहिए या फिर सुस्त चाल ही रहेगी इसकी? पावर एज अ सेक्टर हैज डन फिनोमिनली वेल, और टाटा पावर एक अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे सेक्टर के लिए। तो अगर आप देखिए, इवन स्टॉक्स लाइक कोल इंडिया, एनटीपीसी हैव मूव्ड अप सिग्निफिकेंटली। पीएफसी आरईसी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उधर तो एक मूव बहुत एक्सेप्शनल रहा है। इनफैक्ट पावर ट्रांसफॉर्मर शेयर्स पिछले कई हफ्तों में हैव गिवन अ एक्सेप्शनल रिटर्न एज वेल। तो जो ये पूरी पावर चेन है, जनरेटर से लेके ट्रांसमीटर से लेके ईपीसी प्लेयर्स तक, आई थिंक पूरी वैल्यू चेन ने बहुत अच्छा किया है। और जो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी मान के आ रही है कि अगर इंडिया को रिन्यूएबल्स इंक्रीज करनी है साइड बाय साइड अलोंग विद जो थर्मल जनरेशन है दिस जंक्चर, मुझे लगता है पावर एज अ स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा हुआ है। हैविंग सेड दैट, टाटा पावर के आई थिंक दो तीन इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। आई थिंक इनका जो मुंड्रा और माइथॉन का यूनिट है, यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज कैसे प्ले आउट होगी। यू आर प्रॉबली सीइंग कोल प्राइसेस बीइंग इंक्रीज्ड ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो इसका कितना प्रभाव हो जाता है, क्योंकि पास थ्रू कंप्लीटली अगर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं मार्जिन को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर बॉम्बे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एज वेल, आई थिंक जो एक ओवरड्यूज थे अलोंग विद द दिल्ली यूनिट, अच्छे खासे वो रिजोल्व हो चुके हैं। और इसलिए अगर मैं आगे की देखूं, इफ आई लुक इनटू द रिमेनिंग फ्यू क्वार्टर्स, क्योंकि ये क्वार्टर तो निकल गया, मुझे लगता है स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस, और जो एक्सपेक्ट करके रख सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ हाउ दीज डिफरेंट यूनिट्स विल परफॉर्म एंटरप्राइज लेवल पे स्टैंड अलोन बेसिस पे, वहां पे प्रदर्शन ठीक ठाक रहना चाहिए। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये स्टॉक वॉचलिस्ट पे रहना चाहिए। एक 270 275 शायद एक की रेजिस्टेंस है टाटा पावर के लिए। अगर वो पिवट लेवल्स क्रॉस होते हैं तो हमें लगता है मार्केट्स में, इंडिया में एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। तो शायद थोड़ा कंसोलिडेट हो नंबर्स के बाद, बट वंस दीज लेवल्स आर टेकन आउट, आर टिक इज दैट एक मार्केट वापस ये स्टॉक को देखेगा, हम शायद रीटेक। 275 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस है और वहां तक अपने शेयर को जाते हुए देखा था, वहीं से फिर थोड़ा सा फिसला भी टाटा पावर का, लेकिन निश्चित तौर पर वॉच लिस्ट में आपको इसको रखना है।